गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम क्लास थर्ड का पार्ट तीसरे की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने देखा था क्या तपस्वी और राजा की और उसके बेटे की बारे में जाना था। बेटा तो बहुत दुष्ट होता है और राजा और सन्यासी के बीच में जो बातचीत हुई, कैसे उनकी सेवा कर रहे, उन सब के बारे में जाना था। अब जो आगे की जो आपकी क्लास है बेटा, वो ये है कि आगे देखते हैं बेटा क्या है इस कहानी में, देखते हैं पढ़ते हैं तब जानेंगे। एक दिन राजा ने तपस्वी को राजकुमार की दुष्टता बताई। अब क्या है, तपस्वी को राजा जी हैं वो क्या बताते हैं, अपने बेटे की दुष्टता बताते हैं, मीन्स गंदी हरकतें बताते हैं कि ये सबके साथ दुर्व्यवहार करता है, और उसे ठीक करने को कहा। कहा कि तपस्वी मेरी मदद करो, मेरा जो बेटा है बहुत ही लोगों को परेशान करता है, मेरी प्रजा को, तो आप इसको ठीक कर दो, इसे कुछ सिखाओ। तपस्वी ने कहा अच्छी बात है, तो वो कहते हैं चलो ठीक है, तपस्वी कह रहे हैं अच्छी बात है, चलो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। इसके बाद घर जाकर राजा ने राजकुमार को तपस्वी के पास भेज दिया। अब क्या हुआ, राजा जी जाते हैं अपने महल और क्या करते हैं, अपने बेटे को कहते हैं, राजकुमार को कहते हैं, जाओ आप तपस्वी की कुटिया में जाओ और वहाँ पर तपस्वी से मिलो। तो राजा जी वहाँ पर उसको भेज देते हैं, ठीक है। राजकुमार तपस्वी के साथ रहने लगा। अब क्या हुआ, तपस्वी के साथ राजकुमार साथ में रहने लग गया उसके, किनके, तपस्वी के। कौन, राजकुमार, राजा का बेटा। आगे देखते हैं क्या बेटा, एक बार तपस्वी ने एक नीम का पौधा देखा। अब क्या होता है, तपस्वी जो है, ये जो तपस्वी है, नीम का पौधा यहाँ दिख रहा है ना, इसको देखते हैं, उसमें कुल दो पत्ते थे। कितने, अभी छोटा सा ही पौधा है, उसमें दो पत्ते थे। तपस्वी ने राजकुमार से उस पेड़ के पत्ते चखने को कहा। अब क्या हुआ, तपस्वी तो भाई सीख सिखानी थी उस बच्चे को, अच्छा बनाना था, तपस्वी को तो पता था ये क्या है, नीम के पत्ते हैं, तो क्या होता है, और नीम क्या होता है, कड़वा होता है, तो इस बच्चे को तो पता नहीं होता, लड़के को, तो क्या होता है, जानबूझ के तपस्वी इनके साथ ऐसा करते हैं, क्या कि जाओ बेटा वहाँ से पत्ते तोड़ो और उसको चखो। तो जब ये चखता है तो देखो क्या होता है, राजकुमार ने चखकर थू थू करके थूक दिया और कहा, और राजकुमार को तो भाई चखा जब पत्ता, उसने खाया तो क्या उसे फील हुआ, कड़वा लगा, तो वो थूक देता है, उसको बाहर निकाल देता है अपने मुंह से। यह तो छोटा होने पर भी जहर के समान है, वो कहता है इतना छोटा पौधा और कैसा है, जहर, मीन्स जहर फैला रहा है, पूरे में कड़वा ही कड़वा, तो मीन्स जहर फैला रहा है। अभी जब ये इतना छोटा है तो आगे क्या होगा, कितना जहरीला है ये पौधा, पता नहीं बड़ा होने पर कैसा होगा। कहता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो पता नहीं ये क्या करेगा, जब इतना छोटा है तो इस तरह से इसमें जहर है, कड़वा है, अगर जो बड़ा हो जाएगा तो और भी कड़वा होगा ये। ये बेटा अब होमवर्क हम स्टार्ट करते हैं, आज की हमारी क्लास इतनी थी। आज देखो होमवर्क क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आंसर है उसका बेटा गा और डा करना है आपको, और उसके बाद आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन यहाँ से पढ़ने, और जितना भी हमने पाठ पढ़ा है देखोगे वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी उसमें करोगे। और आपका जो ये है ना, मिलते जुलते शब्द बनाइए, जैसे दुष्ट, पुष्ट, तंग, अंग हो सकता है यहाँ पर, ऐसे मिलते जुलते वर्ड आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो ये भी आपका गृह कार्य है, ये और ये बहुविकल्पीय है और क्वेश्चन आंसर, ये आपका क्या है, इस क्लास दूसरी का आपका होमवर्क है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम आगे की कहानी पढ़ेंगे कि क्या हुआ होगा राजकुमार के साथ और तपस्वी के साथ, क्या राजकुमार सुधरा होगा या नहीं, उसमें कोई चेंज हुआ है या नहीं, आगे की कहानी पढ़कर हम आगे क्लास में जानेंगे। और आज की क्लास यहीं पर ओवर करती हूँ।